हेलो एवरीवन, लास्ट ट्यूटोरियल में हमने किया था इनपुट डिवाइसेस, सेम वे इसमें हम करेंगे आउटपुट डिवाइसेस। वो डिवाइसेस जहां से हमें आउटपुट मिलता है, लाइक आपका मॉनिटर है, प्रिंटर है, यहां से हमें जो भी हमने काम करवाना है कंप्यूटर से उसका रिजल्ट मिलता है। सो मेन फंक्शन क्या है आउटपुट डिवाइस का? डिस्प्ले द रिजल्ट और इंफॉर्मेशन। जो भी रिजल्ट है वो डिस्प्ले करने के लिए यूज करते हैं। एग्जाम्पल्स आपके मॉनिटर्स, प्रिंटर्स, स्पीकर्स, प्लॉटर्स, वन बाय वन हम इनको डिटेल में करेंगे इस वीडियो में। नाउ अगर हमें फॉर्मली डिफाइन करना है आउटपुट डिवाइस को, तो हम फॉर्मली कैसे डिफाइन करेंगे वो देखते हैं। अ पीस ऑफ इक्विपमेंट और हार्डवेयर, आउटपुट डिवाइस हमारी एक हार्डवेयर डिवाइस होती है जिसको हम टच कर सकते हैं, विच गिव्स आउट द रिजल्ट ऑफ द एंटर्ड इनपुट। जो भी हमने इनपुट एंटर किया उसका रिजल्ट मिलता है। वंस इट इज प्रोसेस्ड इज कॉल्ड एन आउटपुट डिवाइस। हमारा प्रोसेस यही होता है, सबसे पहले इनपुट, उसको हम प्रोसेस करेंगे एंड देन हमें आउटपुट मिल जाएगा। सो दिस इज द फॉर्मल डेफिनेशन ऑफ आउटपुट डिवाइस। ना सबसे पहले हम करते हैं मॉनिटर। ये हमारी सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे ज्यादा यूज होने वाली आउटपुट डिवाइस है, मोस्ट कॉमन एंड वेरी पॉपुलर आउटपुट डिवाइस। नाउ यू कैन सी, आपको पिक्चर में दिखाई दे रहा है, लेफ्ट साइड में जो मॉनिटर बना हुआ है, ये पहले के टाइम पे आते थे, जो थोड़ा सा बल्की होते थे, हैवी होते थे, पीछे से भी उसमें एक पार्ट बना होता था, आगे पीछे दोनों साइड से मोटे मोटे से होते थे, जैसे हमारे पहले के टीवी भी आते थे। बट आजकल मॉनिटर्स कैसे आने लग गए, फ्लैट स्क्रीन, बिल्कुल फ्लैट होते हैं, पीछे से भी कोई पोर्शन नहीं निकला हुआ है, पीछे से भी फ्लैट होते हैं। आजकल हमारे टीवी भी ऐसे ही आने लग गए हैं। सो इट लुक्स लाइक अ टीवी, बिल्कुल टीवी जैसे दिखाई देते हैं, इन एंड इज ऑल्सो नोन एज VDU, विजुअल डिस्प्ले यूनिट। नाउ इसमें जो पिक्चर दिखाई देती है, जो हमें स्क्रीन दिखाई दे रही है, वो बनी होती है छोटे छोटे डॉट्स से, एंड उन डॉट्स को हम बोलते हैं पिक्सल्स। आप अगर अपने कैमरा भी यूज करते हो फोन का, उसमें आप रिजोल्यूशन सेट करते हो, वो रिजोल्यूशन भी पिक्सल में गिवन होता है। या अगर आप पेंट यूज कर रहे हो एप्लीकेशन, तो उसमें भी पिक्सल्स में गिवन होती हैं चीजें। सो एक स्क्रीन या एक इमेज जो बनी होती है हमारी, वो बनी होती है छोटे छोटे डॉट्स से, उन डॉट्स को हम बोलते हैं पिक्सल, और एक स्क्रीन पर कितने डॉट्स आते हैं उसको हम बोलते हैं रिजोल्यूशन। ओके, जितने ज्यादा पिक्सल्स होंगे उतनी ज्यादा आपकी क्वालिटी अच्छी होगी। कैमरा में भी यही है, अगर आप पिक्सल्स ज्यादा करते हो, रिजोल्यूशन हाई रखते हो, तो आपकी फोटोज या वीडियोस बेटर आती है एज कंपेयर टू लोअर पिक्सल्स। सो दिस इज मॉनिटर। नाउ देर आर टू टाइप्स ऑफ मॉनिटर्स, जनरली हम उनको टू कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं। वन इज कैथोड रे मॉनिटर, CRT मॉनिटर, जो आपको लेफ्ट हैंड साइड पे दिखाई दे रहा है पिक्चर में, दैट इज योर CRT मॉनिटर, पीछे से भी थोड़ा सा बल्की है। सेकेंड इज लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले, LCD मॉनिटर, आपने सुना होगा ये नाम, LCD स्क्रीन, जो आजकल टीवीज में भी आती है। सो मॉनिटर्स की भी हम दो कैटेगरीज बना रहे हैं, CRT एंड LCD। मैकेनिकली इसमें क्या डिफरेंस है वो हम इसमें कवर नहीं करेंगे, वो आप कंप्यूटर ग्राफिक्स में पढ़ोगे। इसमें हम सिर्फ इनकी बेसिक क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है वो देख रहे हैं। जो CRT मॉनिटर है, जो लेफ्ट हैंड साइड पे आपको दिखाई दे रहे हैं, वो होते हैं लार्ज इन साइज, देखने से पता चल रहा है, आई टोल्ड यू, वो बल्कि होते हैं। दूसरा क्या है, पावर कंजप्शन ज्यादा होती है। LCD में देखते हैं, वो होते हैं आपके लाइट वेट एंड फ्लैट स्क्रीन मॉनिटर। पिक्चर से आप इस चीज को बता सकते हो, फ्लैट स्क्रीन है, और इसमें जो इलेक्ट्रिसिटी यूज होते हैं वो भी स्मॉल होती है एज कंपेयर टू CRT। CRT वाले में पहले के टाइम पे मॉनिटर्स में जितनी इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम होती थी उसके कंपेरिजन में कम है, और पिक्चर क्वालिटी भी बेटर है। जैसे जो HD का कॉन्सेप्ट है वो अभी आया है, हाई डेफिनेशन का, पहले के टाइम में तो होता नहीं था, राइट? क्योंकि अब पिक्चर की क्वालिटी बहुत इंप्रूव हो गई है। अगर आप पहले के जमाने की मूवीज देखोगे, उसमें भी आप देखोगे जो क्वालिटी है मूवी की वो उतनी अच्छी नहीं होती जितनी आजकल होती है, राइट? सो दीज आर टू टाइप्स ऑफ मॉनिटर्स।
नेक्स्ट जो अगेन हमारी बहुत इम्पोर्टेंट आउटपुट डिवाइस है दैट इज प्रिंटर. नाउ प्रिंटर पर एग्जाम्स में बहुत बार क्वेश्चन आते हैं कि राइट शॉर्ट नोट ऑन प्रिंटर. तो प्रिंटर को थोड़ा सा हम ज्यादा डेप्थ में कवर करेंगे, उसकी टाइप्स को कवर करेंगे. प्रिंटर इज एन आउटपुट डिवाइस विच इज यूज टू प्रिंट इन्फॉर्मेशन ऑन पेपर. जो आपके पास इन्फॉर्मेशन कंप्यूटर में स्टोर है या आपके मोबाइल में स्टोर है उसको प्रिंट करने के लिए, दैट मीन्स सॉफ्ट कॉपी से हार्ड कॉपी में कन्वर्ट करने के लिए हम यूज करते हैं प्रिंटर. आज के टाइम में सब लोगों ने प्रिंटर यूज किया है तो सबको पता है हार्ड कॉपी वो होती है जो प्रिंट होने के बाद आपको हाथ में मिली है, सॉफ्ट कॉपी जो आपने स्टोर की हुई है. नाउ टाइप्स ऑफ प्रिंटर, ये इंपॉर्टेंट है. प्रिंटर को हम जनरली दो कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं, वन इज इम्पैक्ट प्रिंटर एंड अनदर वन इज नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर. इम्पैक्ट का मतलब है एक रिबन के ऊपर, ये रिबन है सपोज, उसके पीछे पेपर लगा हुआ है आपका, उस रिबन को आप स्ट्राइक कर रहे हो हैमर से और उससे आप कुछ प्रिंट कर रहे हो. तो जब भी कुछ स्ट्राइक करके आप प्रिंट कर रहे हो दैट इज इम्पैक्ट, जब बिना स्ट्राइक किए आप कुछ प्रिंट कर रहे हो दैट इज नॉन इम्पैक्ट. नाउ इनकी फर्दर कैटेगरीज होती है वो हम बाद में करेंगे, पहले दोनों में बेसिक डिफरेंस कर लेते हैं इम्पैक्ट एंड नॉन इम्पैक्ट में क्या डिफरेंस है. नाउ जो आपको लेफ्ट हैंड साइड पे दिखाई दे रहा है दैट इज योर इम्पैक्ट प्रिंटर और राइट हैंड साइड पे है आपका नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर. नाउ इम्पैक्ट प्रिंटर में क्या है, एक रिबन लगा हुआ है पेपर के ऊपर और उस रिबन से हम स्ट्राइक करते हैं यूजिंग हैमर और वॉट एवर इक्विपमेंट वी यूज, और जहां जहां स्ट्राइक करते हैं जैसे जैसे ऑर्डर में स्ट्राइक करते हैं वैसे हमारी प्रिंट होती है. डिफरेंस देखते हैं दोनों के बीच में. फर्स्ट इज इम्पैक्ट प्रिंटर ऑपरेट्स बाय स्ट्राइकिंग अ मेटल और प्लास्टिक हेड अगेंस्ट एन इंक रिबन. यही हम बात कर रहे थे, हमारा रिबन है सपोज दिस इज इंक रिबन, इसके पीछे एक पेपर लगा हुआ है और मेटल या प्लास्टिक का एक हेड है वो इसके ऊपर स्ट्राइक करता है, जैसे हथौड़ा स्ट्राइक करता है नेल के ऊपर वैसे ही वो स्ट्राइक करता है और उससे आपकी प्रिंटिंग होती है. नाउ नॉन इम्पैक्ट में क्या है, कोई भी रिबन के ऊपर आप हिट नहीं करते हो. इन इम्पैक्ट द इंक रिबन इज प्रेस्ड अगेंस्ट द पेपर मार्किंग द पेज विद द अप्रोप्रिएट करेक्टर. अभी मैंने यही बताया जहां जहां वो हेड आपको हिट करेगा वहां वहां आपकी प्रिंटिंग होगी. बट नॉन इम्पैक्ट में क्या यूज होता है, लेजर या फिर केमिकल या फिर इंक जेट टेक्नोलॉजी, इंक डाल के या लेजर से आपकी प्रिंटिंग होती है. जो इम्पैक्ट प्रिंटर है क्योंकि इसमें हम हिट कर रहे हैं बार बार किसी चीज को तो उसमें नॉइस ज्यादा होती है, वो लाउड होते हैं. बट नॉन इम्पैक्ट में इतनी ज्यादा आवाज नहीं आती है प्रिंटिंग के टाइम. इम्पैक्ट प्रिंटर के एग्जाम्पल्स हैं आपके डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर, डेजी व्हील, लाइन प्रिंटर्स, ये अभी हम करेंगे डिस्कस. नॉन इम्पैक्ट में आते हैं आपके इंक जेट प्रिंटर, थर्मल, लेजर प्रिंटर्स. ओके, सो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन इम्पैक्ट एंड नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर. मेन हमें सिर्फ ये याद रखना है इम्पैक्ट में हम स्ट्राइक कर रहे हैं किसी चीज को रिबन के अगेंस्ट तब प्रिंटिंग होती है, नॉन इम्पैक्ट में कुछ भी स्ट्राइक नहीं करते हैं. ओके, डिफरेंस क्लियर है इम्पैक्ट एंड नॉन इम्पैक्ट में. नेक्स्ट हम देखते हैं इम्पैक्ट प्रिंटर को भी हम फर्दर कैटेगराइज कर सकते हैं. दीज आर करेक्टर प्रिंटर एंड लाइन प्रिंटर. करेक्टर प्रिंटर नाम से ही पता चल रहा है एक टाइम पे आप एक करेक्टर प्रिंट कर रहे हो. लाइन प्रिंटर में क्या है, एक टाइम पे आप पूरी की पूरी एक लाइन प्रिंट कर रहे हो. सो अगेन ये दो कैटेगरीज है. करेक्टर प्रिंटर के एग्जाम्पल्स है डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर एंड डेजी व्हील. लाइन प्रिंटर के आपके एग्जाम्पल्स है ड्रम प्रिंटर एंड चेन प्रिंटर. ये प्रिंटर्स की टाइप्स होती हैं, ठीक है. सो आपको याद रखना इम्पैक्ट के हम दो कैटेगरीज करेंगे, करेक्टर प्रिंटर एंड लाइन. सबसे पहले करते हैं करेक्टर प्रिंटर. नाम से पता चल रहा है प्रिंट वन करेक्टर एट अ टाइम. नाउ करेक्टर प्रिंटर में सबसे पहले करते हैं डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर, वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर प्रिंटर. बहुत पॉपुलर है ये वाले प्रिंटर्स. ईच करेक्टर प्रिंटेड इज इन द फॉर्म ऑफ पैटर्न ऑफ डॉट्स. नाउ अगर देखो जब कोई छोटा बच्चा है जिसको लिखना नहीं आता उसको आप कैसे सिखाते हो लिखना, डॉट डॉट बना के. अगर हमें ए लिखना सिखाना है तो हम ए की शेप में डॉट डॉट्स बना देंगे फिर वो उसको ट्रेस करता है. डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर भी डॉट के पैटर्न में प्रिंट करता है. लाइक हियर यू कैन सी इन दिस पिक्चर
ए टू जेड तक डॉट डॉट की फॉर्म में लिखे हुए हैं, 0 to 9 और जितने भी आपके करेक्टर्स हैं। सो डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर आपको ऐसी प्रिंटिंग देते हैं, डॉट डॉट से आपके करेक्टर्स बने हुए होते हैं। आपने देखा भी होगा बहुत बार अगर हम होटल में जाते हैं उनकी जो रिसीट मिलती है या मॉल्स में जो रिसीट मिलती है उसमें जो करेक्टर्स है उसको आप ठीक से पूरा पढ़ नहीं पाते क्योंकि वो डॉट डॉट करके बने हुए होते हैं। सो क्वालिटी इतनी अच्छी नहीं होती इसमें। एडवांटेजेस क्या है इसके, चीप है, सस्ते हैं, बहुत ज्यादा यूज होते हैं और इसमें आप किसी भी लैंग्वेज के करेक्टर्स को प्रिंट कर सकते हो क्योंकि आपका कोई भी शेप है करेक्टर की आप उसको डॉट डॉट करके बना सकते हो कोई भी शेप को। सो किसी भी लैंग्वेज के करेक्टर के लिए आप ये प्रिंटर्स यूज कर सकते हो। नाउ डिसएडवांटेज क्या है इसमें, एक तो स्पीड कम है, मोर ओवर इट हैज पुअर क्वालिटी। अभी मैं बात कर रही थी बहुत बार रिसीट होती है उसको पढ़ा नहीं जाता कि उसमें क्या लिखा हुआ है क्योंकि वो डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर होते हैं और डॉट डॉट से बने होते हैं तो रिसीट में क्लियरली विजिबल नहीं होते वर्ड्स क्योंकि इसमें क्वालिटी पुअर होती है, बट सस्ते होते हैं, बहुत ज्यादा यूज होते हैं। नेक्स्ट करेक्टर प्रिंटर में दूसरा है आपका डेजी व्हील। नाउ डेजी व्हील में क्या है, ये आपको व्हील दिखाई दे रहा है जो फर्स्ट पिक्चर है हमारी, इस व्हील की बहुत सारी पिंस बनी हुई हैं। इसको डेजी व्हील क्यों बोलते हैं, जैसे डेजी का फूल होता है उसकी जो पेटल्स ऐसी खुली हुई होती है इसी शेप में, सो दैट इज व्हाई इट इज नोन एज डेजी व्हील। एक व्हील बना हुआ है उसकी बहुत सारी पिंस है। नाउ जो ये पिंस बनी हुई है इनके ऊपर अल्फाबेट्स लिखे हुए हैं, सारे अल्फाबेट्स सारे करेक्टर्स आपके इन पिंस के ऊपर लिखे होते हैं और जो हेड बना हुआ है ये इधर ये स्ट्राइक करता है और प्रिंटिंग होती है। सो दैट इज व्हाई इट इज नोन एज डेजी व्हील क्योंकि डेजी के फूल की तरह इसमें पत्तियां बनी हुई होती है जो आपकी पिंस बनी हुई है। एडवांटेजेस क्या है, इसकी क्वालिटी बेटर है एज कम्पेयर टू डॉट मैट्रिक्स, ज्यादा रिलायबल है और फॉन्ट्स ऑफ करेक्टर्स कैन बी इजिली चेंज्ड। डिसएडवांटेज क्या है, देखो डॉट मैट्रिक्स हमारा स्लो था, ये वाला उससे भी ज्यादा स्लो है। मोर ओवर ये नॉइजी है, जब आप इस प्रिंटर को यूज करते हो तो आवाज बहुत होती है। ओके सो दिस वॉज डेजी व्हील। करेक्टर प्रिंटर हो गए हमने, दोनों कर लिए हैं। नेक्स्ट हम करते हैं लाइन प्रिंटर। लाइन प्रिंटर का मतलब है एक लाइन एक टाइम पर प्रिंट कर रहे हो। करेक्टर प्रिंटर में प्रिंट वन करेक्टर एट अ टाइम, लाइन प्रिंटर प्रिंट वन लाइन एट अ टाइम, पूरी की पूरी लाइन एक साथ आ जाएगी एक बार में। इसमें हम दो करेंगे, वन इज ड्रम प्रिंटर, दूसरा है आपका चेन प्रिंटर। सो सबसे पहले देखते हैं हम ड्रम प्रिंटर, नाम से पता चल रहा है ड्रम। सो इसकी जो शेप है वो ड्रम जैसी होती है, लेफ्ट हैंड साइड पे जो पिक्चर बनी हुई है वो ड्रम प्रिंटर की बनी हुई, यू कैन सी ड्रम जैसी शेप है। नाउ देखो राइट हैंड साइड पे एक पिक्चर बनी हुई है जिसमें एक ड्रम एक सिलेंडर टाइप बना हुआ है और उसके ऊपर करेक्टर्स लिखे हुए हैं, आपके अल्फाबेट्स लिखे हुए हैं। नाउ जो ये ड्रम प्रिंटर है, इसका ये ड्रम है, इसका सरफेस मल्टीपल ट्रैक्स में डिवाइडेड होता है। दिस इज वन ट्रैक, दिस इज माई सेकेंड ट्रैक, ऐसे बहुत सारे ट्रैक बने हुए हैं और सारे ट्रैक्स पे आपके पूरा जो करेक्टर सेट है, जो भी करेक्टर्स आपको यूज करने हैं वो इसके ऊपर बने हुए होते हैं। जैसे इस पूरे ड्रम की एक रोटेशन पूरी होगी, एक लाइन पूरी आपकी प्रिंट हो जाएगी, ठीक है। लाइक पिक्चर में देख सकते हो पेपर बना हुआ है, पेपर के पीछे हैमर बना हुआ है। नाउ मान लो ये आपके जो है ट्रैक्स बने हुए ये रोटेट हो सकते हैं, आपने लॉक देखा हुआ है जिसमें रोटेट करके आप नंबर्स को सेट कर सकते हो, सेम वे इसको पूरा रोटेट कर जो भी आपको प्रिंट करना है वो सेट करोगे, हैमर से स्ट्राइक करोगे और वो आपका प्रिंट हो जाएगा। तो इसको हम ज्यादा डिटेल में नहीं करेंगे, ये सिर्फ आपके नॉलेज के लिए है। बस आपको ये याद रखना है ड्रम जैसी शेप है और बहुत सारे आपके करेक्टर सेट आपके लिखे हुए हैं। नाउ एडवांटेज क्या है, इसकी बहुत हाई स्पीड होती है क्योंकि पूरी की पूरी लाइन को एक साथ कर रहे हैं प्रिंट रादर देन एक एक करेक्टर को, तो स्पीड इसकी ज्यादा होती है। डिसएडवांटेज इज कि ये महंगे होते हैं, इसलिए जनरली हम इनको नहीं देखते अपने डे टू डे लाइफ में बिकॉज दीज आर एक्सपेंसिव। मोर ओवर देखो ड्रम बना हुआ है, ड्रम के ऊपर जो करेक्टर्स लिखे हुए हैं, जो अल्फाबेट्स लिखे हुए हैं,
वो आप इतना इजीली चेंज नहीं कर सकते, इसलिए इसमें फॉन्ट जो है वो चेंज नहीं होगा। नेक्स्ट लाइन प्रिंटर में हमारा है चेन प्रिंटर। लाइन प्रिंटर में हमें दो करने हैं, ड्रम एंड चेन। ड्रम हो गया, नेक्स्ट इज चेन। नाउ लेफ्ट हैंड साइड पे यू कैन सी ये उसके अंदर की वर्किंग दिखा रखी है, एक चेन जैसी बनी हुई है। चेन, कैन यू सी दिस चेन? उस चेन के ऊपर आपके करेक्टर्स लिखे हुए हैं, बीच में एक रिबन है, रिबन के पीछे पेपर है और पेपर के पीछे हैमर है। जस्ट पॉज द वीडियो, जो आपको डायग्राम बना हुआ है इसमें उसको ध्यान से देखो, बहुत सारी चीजें उसी से क्लियर हो जाएगी। राइट हैंड साइड पे लाइन प्रिंटर का एक एग्जाम्पल, एक फोटो डाली हुई है कि ऐसा दिखाई देता है लाइन प्रिंटर। नाउ चेन प्रिंटर में क्या है, अ चेन ऑफ करेक्टर सेट इज यूज्ड, दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड चेन प्रिंटर। चेन के ऊपर आपके करेक्टर्स लिखे हुए हैं, ये आपको याद रखना है। नाउ एडवांटेजेस क्या है, इनके फॉन्ट्स हम इजिली चेंज कर सकते हैं। ड्रम प्रिंटर में हम फॉन्ट्स नहीं चेंज कर सकते, चेन प्रिंटर में कर सकते हैं, और इसमें अलग अलग लैंग्वेज भी यूज कर सकते हैं। नाउ डिसएडवांटेज क्या है, इसमें आवाज बहुत होती है। तो आपको सिर्फ थोड़ा थोड़ा याद रखना है, आप बस डायग्राम को ध्यान से देख लो, आपको बहुत सारी चीजें अपने आप याद हो जाएंगी। सो दिस वॉज लाइन प्रिंटर। ये खत्म हो गया हमारा इम्पैक्ट प्रिंटर, इसमें हमने करेक्टर प्रिंटर्स भी कर लिए, लाइन प्रिंटर्स भी कर लिए। नाउ नेक्स्ट इज नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर। नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर को भी हम दो कैटेगरीज में डिवाइड कर रहे हैं, वन इज लेजर प्रिंटर, अनदर वन इज इंक जेट प्रिंटर। सो सबसे पहले देखते हैं लेजर प्रिंटर, नाम से पता चल रहा है लेजर, सो दैट मीन्स दे यूज लेजर लाइट, डॉट्स को प्रोड्यूस करने के लिए लेजर लाइट यूज करते हैं। एडवांटेजेस क्या, बहुत अच्छी स्पीड होती है, अच्छी क्वालिटी होती है, गुड ग्राफिक्स क्वालिटी, और बहुत सारे फॉन्ट्स एंड करेक्टर साइज को सपोर्ट करता है। डिसएडवांटेजेस क्या है, महंगे होते हैं। देखो अगर अच्छी क्वालिटी मिलेगी तो थोड़ा सा महंगा होती है चीजें, राइट? सो बहुत अच्छी क्वालिटी मिलती है इसीलिए ये एक्सपेंसिव होते हैं। नाउ इसमें प्रॉब्लम क्या होती है लेजर प्रिंटर में, मान लो मेरे पास एक डॉक्यूमेंट है, मुझे उसकी 20 कॉपीज बनानी है, तो एक साथ वो 20 कॉपीज नहीं बना सकता, प्रिंट नहीं करेगा, वो एक टाइम पे एक ही कॉपी बनाएगा, पहले एक कॉपी बनाएगा, उसके बाद दूसरी कॉपी बनाएगा, फिर तीसरी बनाएगा। सो डिसएडवांटेज क्या है, कैन नॉट बी यूज टू प्रोड्यूस मल्टीपल कॉपीज ऑफ ए डॉक्यूमेंट इन अ सिंगल प्रिंटिंग, ठीक है। सो दिस वॉज लेजर प्रिंटर। नेक्स्ट इज इंक जेट प्रिंटर। ये आपने बहुत जगह सुना भी होगा कि प्रिंटर में इंक खत्म हो गई है, राइट? सो वो होते हैं हमारे इंक जेट प्रिंटर, जिसके अंदर हम इंक यूज करते हैं। करेक्टर्स को कैसे प्रिंट करते हैं, बाय स्प्रेइंग स्मॉल ड्रॉप्स ऑफ इंक ऑन टू पेपर। अब इंक यूज कर रहे हैं तो इसमें कलर प्रिंटिंग भी पॉसिबल है, कलर्ड प्रिंटआउट भी मिलते हैं आपको, राइट? क्योंकि जो हमारे बेसिक कलर से उनको मिला के हम कोई भी कलर बना सकते हैं। मोर ओवर इसके अंदर नॉइस भी ज्यादा नहीं होती, आवाज ज्यादा नहीं होती है। एडवांटेजेस क्या है, हाई क्वालिटी प्रिंटिंग, मोर रिलायबल, मोर ओवर आप कलर्ड प्रिंटिंग भी कर सकते हो। आपने आजकल एडवर्टीजमेंट भी देखी होगी बहुत सारी टीवी पे कलर्ड प्रिंटिंग की, कि आप कहीं भी बैठ के कलर्ड प्रिंटिंग कर सकते हो, राइट? आपने देखा होगा ऐसा एडवर्टीजमेंट। नाउ डिसएडवांटेजेस क्या है, ये एक्सपेंसिव है, बिकॉज पर पेज जो कॉस्ट पड़ती है वो ज्यादा पड़ती है, स्लो एज कम्पेयर टू लेजर प्रिंटर। वैसे तो फास्ट है, बट अगर हम लेजर प्रिंटर के कंपैरिजन में देखें तो ये स्लो है। ओके, सो दीज आर द डिसएडवांटेजेस। सो यहाँ पर हमारा प्रिंटर वाला टॉपिक खत्म हो गया है, सारे हमने उसके टाइप्स कर लिए हैं। ऑल्दो आपको थोड़ा सा बोरिंग लग रहा होगा, बट ये टाइप्स करना बहुत जरूरी है, प्रिंटर्स इंपॉर्टेंट टॉपिक है। नेक्स्ट जो हमारी थर्ड आउटपुट डिवाइस है, मॉनिटर हो गया है, प्रिंटर हो गया है, थर्ड इज स्पीकर। ना स्पीकर के बारे में मुझे ज्यादा बताने की जरूरत नहीं, हम सबको पता है स्पीकर्स क्या होते हैं, जिनसे हम म्यूजिक को सुनते हैं, जो साउंड को इंक्रीज करने के लिए यूज होते हैं, राइट? नाउ ये बहुत तरह के आते हैं, आजकल वायरलेस स्पीकर भी आने लग गए हैं। जो आपको राइट हैंड साइड पे फोटो दिखाई दे रही है वो एक वायरलेस स्पीकर की है, ब्लूटूथ से कनेक्टेड होते हैं और वायर्ड भी आते हैं। और जनरली जो स्पीकर्स है वो आपको डबल के पेयर में मिलते हैं, मतलब दो दो मिलते हैं एक पेयर में,
डिफरेंट डिफरेंट कलर, डिफरेंट डिफरेंट शेप के आपको ये स्पीकर्स मिलते हैं। इसके बारे में आप अपना बता सकते हो, हम यूज करते हैं, राइट। नेक्स्ट इज हेडफोन्स। जैसे स्पीकर्स होते हैं वैसे ही हेडफोन्स होते हैं। स्पीकर्स क्या है, बहुत ज्यादा लोगों के लिए है कि अगर आपको मान लो एक से ज्यादा लोग हैं वो लोग स्पीकर यूज करते हैं, आपको एक लार्ज एरिया में यूज करना है। हेडफोन्स क्या है, एक सिंगल पर्सन के लिए, जिसने लगा रखा है सिर्फ वही सुन सकता है। नाउ हेडफोन्स में डिफरेंट डिफरेंट कलर, डिफरेंट डिफरेंट साइज के आते हैं, वायर्ड भी आते हैं जिसमें वायर लगी होती है, और वायरलेस भी आते हैं, राइट। तो इसके बारे में भी आपको पता है। यस, वन मोर थिंग, हेडफोन्स को हम ईयरफोन्स या हेडसेट भी बोलते हैं। नेक्स्ट एंड लास्ट इज प्लॉटर। नाउ प्लॉटर कैसा दिखाई देता है ये आपको इस इमेज से क्लियर है। नाउ प्लॉटर यूज होते हैं, प्रिंटिंग जैसा ही काम करते हैं, बट जनरली ये हम फोटोग्राफ, ड्राइंग या इमेज को प्रिंट करने के लिए यूज करते हैं। इसमें आपको बहुत अच्छी क्वालिटी मिलती है। जो बड़े बड़े पोस्टर्स होते हैं जो अच्छी क्वालिटी के होते हैं, वो सब हम प्लॉटर के थ्रू करते हैं। इट प्रोवाइड्स अ हाई क्वालिटी ऑफ प्रिंटेड आउटपुट। जो आपको कलर्ड आउटपुट लेना है उसमें बहुत अच्छी क्वालिटी मिलती है, मतलब प्रिंटर जो हमारे कलर्ड प्रिंटर है उससे फार फार बेटर क्वालिटी। इट इज जनरली यूज्ड बाय इंजीनियर्स एंड आर्किटेक्ट्स। So this was plotter. This was our last output device. I hope you learned something from this video. Thank you all for watching this.